ऐसा लग रहा है कि आपको ज़रा नींद नहीं मिली। यस यस। क्यों नहीं मिली नींद? क्योंकि हम लोग लड़कों को कन्विंस कर रहे थे पूरी रात। पूरी रात कैसा फील हुआ आपको बॉयज? इट वाज टोटली अ डिफरेंट सिचुएशन ऑल टुगेदर व्हेन दे आर कमिंग टू अस एंड दे आर टेलिंग अस यू नो प्लीज सेव अस, हमें सेव कर दो, हमें सेव कर दो। बॉयज, यू ऑल डिसाइडेड? यस। अखिल, योर डिसीजन। ईशा, क्यों? राजनंदिनी के साथ मेरा बॉन्ड अच्छा है। आगे जाएंगे निक। राजनंदिनी। आदित्य। राजनंदिनी। स्कोर 1 फॉर ईशा, 2 फॉर राजनंदिनी। वरुण। राजनंदिनी। यू डोंट डिजर्व। ओह। राजनंदिनी, वन मोर वोट एंड यू आर इन द पिट। आरजी। ईशा। 4-2. Karan. Isha. 4-3. Close ho gaya Isha. Hum dono ke beech mein yun lag raha tha ki tie hoga, kya hoga. Gurmeet. Kavya jo hai number ki, उन्होंने शायद बोला होगा कि यू नो वोट करो राजनंदिनी को, ये वो। ईशा, कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू। यू कैन जॉइन काव्या एंड मयूरी ऑन दैट साइड। निहारिका, राजनंदिनी, आप दोनों में से जो जीतेगी शी विल बी बैक इन स्प्लिट्सविला 9, और जो हारेगी वो स्प्लिट्सविला 9 छोड़कर चले जाएगी। बहुत ही डिसअपॉइंट ही एक्चुअली, लेकिन मन ही मन एक था कि लोग बहुत मजाक उड़ाते मेरे पीठ पीछे, तो ये मौका है मेरे पास कि मैं प्रूव कर सकूं अपनी स्ट्रेंथ। जब से आप आए हो आपको ये पिट, पानी का पिट दिख रहा है, राइट? आप दोनों इस पिट के अंदर होंगी। यहाँ पर दो गेट्स हैं, दोनों गेट्स पे ब्लॉक्स हैं, ब्लॉक्स में अलग अलग नंबर कॉम्बिनेशंस है। आपका नंबर आपके अपोनेंट के पास होगा। यू गर्ल्स विल बी वेयरिंग टी-शर्ट्स दैट हैव द नंबर्स इनसाइड ऑफ देम। सो यू विल हैव टू रिप द टी-शर्ट एंड गेट दैट नंबर। लड़कियां एक तो पानी में, कपड़े गीले हैं और उनके कपड़े फटने वाले हैं। सो आई वाज लाइक या गो फॉर इट। तो लड़के बहुत खुश हो गए थे कि चलो आज तो हम कैट फाइट देखेंगे, आज तो कपड़े फटेंगे, ये होगा वो होगा। टास्क बहुत इंटरेस्टिंग था बॉयज के लिए। जिसने पहले कर दिया और जाके सीधा वो जो सेप्टर है उसको हासिल करना है। जो प्रिंसेस वो सेप्टर क्वीन को पहले देगी वो ही बैटल जीत जाएंगी। आई वॉन्टेड टू स्टे इन दिस विला बैडली। अब एक पॉइंट ये आ गया था कि मैंने राजनंदिनी के साथ अपनी फ्रेंडशिप भी साइड में हटा दी थी। आई डोंट केयर। The princess brawl is about to begin. Best of luck, princesses. May the better and the stronger princess win this brawl. Good luck, ladies. राजनंदिनी को मैंने किसी और लड़की के अपने माइंड में रिप्लेस कर दिया था। मैंने सोचा था कि ये मार्टीना है और मैं इसको मारूंगी और इसको खत्म कर दूंगी। 3, 2, 1. तो जैसे ही टास्क शुरू हुआ, निहारिका और राज दोनों एक दूसरे पे जंगली बिल्लियों की तरह झपट पड़ी। बाल की ज्यादा लाउड नहीं था, नहीं तो आई एम श्योर उन्होंने एक दूसरे के बाल खींच खींच के उधेड़ नहीं रहे। ऐसे लग रहा था कि दोनों लड़कियां एक दूसरे को मार देंगी, बिल्लियों की तरह करके झगड़ा करके एक दूसरे के कपड़े फाड़ रही थी। लड़कियां एक दूसरे के कपड़े फाड़ रही है, तो सब लड़कों के वहां सपने पूरे हो गए थे। वी वर लाइक लेट्स एंजॉय दिस। हारिका
केम आउट लाइक अ टाइगर्स. उसने धो दिया राजनंदिनी को. काफी लोग निहारिका को सपोर्ट कर रहे थे और मैं नंदिनी को ही सपोर्ट कर रही थी बिकॉज आई वॉन्टेड हर टू विन दिस टास्क. मजा आ रहा था हम लोगों को कि किसका पहले टी शर्ट निकलेगा, कौन पहले पिट से बाहर भागेगा, कौन पहले ताले पे पहुंचेगा. मुझे ना था, मेरे को मार्टिना के मुंह पे एक थप्पड़ मारना था कि तूने मुझे डेंजर जोन में डाला ना. अब मैं तुझे बताती हूँ कि मैं क्या चीज हूँ. पहला राउंड जीता निहारिका ने और क्लियरली दिख रहा था कि राजनंदिनी को उसने पूरे तरीके से धो दिया था. पीछे से मुझे चर कर रहे थे, मुझे लगा था दिस इज माय बैटल, मेरे को ही जीतना है ये. पहले राउंड में तो निहारिका ने राज की फाड़ के रखी टी शर्ट. Niharika, one lock left, one t-shirt. Rajnandini, if you lose this round, you're going home. अगर राज बाहर जाएगी तो in short, मेरे भी chances विला में रुकने के बहुत कम हो जाएंगे. Ladies, ready? Go! राउंड स्टार्ट होते ही आई डोंट नो राज का क्या हुआ, उसके अंदर क्या आया, उसके मतलब शी वाज अ डिफरेंट पर्सन. राज कम ऑन, हट अप, नंदिनी फॉल. मुझे ये माइंड में था कि आई कैन नॉट गो बैक फ्रॉम स्प्लिट्सविला बिकॉज मैं यहाँ पे एक मोटिव लेके आई हूँ और मुझे वो मोटिव है कि मुझे जीतना है. कम ऑन राज. उसने बहुत कन्विंसिंगली वो राउंड जीत लिया. अब तो मतलब सभी के हाव भाव चेंज हो गए थे और लगता है कि शायद अभी पासा कहीं भी पलट सकता है. नंदिनी, लास्ट वाले को ब्लॉक करके ना उसको निकालने मत दे. जिसने अगला लॉक खोला टी शर्ट निकालकर पिट से बाहर गए. अगर दोनों के पास टी शर्ट है दोनों खोल सकते हैं. जिसने पहले खोला और जो आगे जा सकता है सेप्टर उठाकर जिसने पहले क्वीन को दे दिया वो जीत गई. वो स्प्लिट्सविला 9 में रहेगी, दूसरी यहीं से चले जाएगी. I started pumping myself कि नहीं तू राजनंदिनी, you cannot lose this, you have to be back in the game. मेरे माइंड में ये था कि यार मुझे अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी और मुझे जल्द से जल्द ये टास्क कंप्लीट करना. Are you ready? राजनंदिनी यहाँ पे फुल मतलब उसके अंदर वो जील थी, उसकी आंखों में साफ दिख रहा था कि मैंने ये करना है. 3, 2, 1, go, pull it off. Come on, Raj. मेरे लिए बहुत शॉकिंग था ये. मयूरी बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रही थी राजनंदिनी को. Just put it off, just put it off. निहारिका और राजनंदिनी एक दूसरे की टी शर्ट ऐसे फाड़ रही थी, एक दूसरे को पलटी ऐसे दे रही थी, हमें नहीं पता चला था कि कौन जीतेगी और कौन हारेगी. Come on, नंदिनी! फाड़, 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 फाड़,
यू नो मैं तेको नहीं जीतने दूंगी टास्क, चाहे तो कितना भी ट्राई कर ले राजनंदिनी, आई एम नॉट गोइंग टू लेट यू विन। नंदिनी फास्टर, राज, ओ कम ऑन, कम ऑन राज, बाहर जा, 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 जब दोनों साथ में पूल के बाहर निकले उस पॉइंट पे मैं बहुत नर्वस थी क्योंकि मुझे पता था कि निहारिका सारे एफर्ट्स लगाएगी वो लॉक खोलने के लिए। अनफॉर्चुनेटली निहारिका ने जो राजनंदिनी की टी शर्ट फाड़ी थी उसमें नंबर भी फट गया। I was jumping in the air with excitement. Wow! Shut everybody's mouth. Task से पहले मैंने बोला था उन लोगों को proof कर दूँगी मैंने किया. Last में जो strength लगाया ना, literally उसकी t-shirt भी और उसको भी फाड़ के रख दी. Yay! Congratulations, Raj Nandini. आपने proof कर दिया that you deserve to be here. निहारिका, it was a great fight. क्या परफॉर्मेंस करके गए हो आप? Well done. वरुण को बहुत ज़्यादा मिस करूँगी क्योंकि बहुत थोड़े टाइम में हम बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन गए. मार्टिना didn't deserve to be in the villa more than me. मुझे वो बात एक्सेप्ट ही नहीं हो रही थी कि मैं विला से बाहर हो चुकी हूँ. जैसे गई शुरू होती है दूसरी कैट फाइट बिटवीन मयूरी एंड ईशा. मयूरी, डिड यू फील बैड? आई वन कॉम्पिटिटर. व्हाई वुड आई फील बैड? यू डू, बट यही तो प्रॉब्लम है. ईशा ने मयूरी से पूछा, यार राजनंदिनी तो तेरी दोस्त है, तूने उसे एक बार भी चेयर अप नहीं किया. तो इस बात पे ईशा और मयूरी में लड़ाई छिड़ गई. स्कूल के फॉर्म मत भरा कर, हट जा. मैं नहीं भर रही थी, मैं उसको सपोर्ट कर रही थी. मैंने उसे सपोर्ट किया. काम क्या है? तू क्यों नहीं कर रही है उसको? तू क्यों नहीं कर रही है? तो मैं उसको सपोर्ट कर रही थी तो तेरे को क्या आग लग रही है? हट. ए शट अप मैन, शट अप. तू अपनी औकात में रह. तू तेरी औकात देख ले. वो ये पागल साइको को टेक बैक योर वर्ड्स राइट. Now do you know that? Take back your words, right? You can't make a racist comment on me. Make a racist comment on me. You shut up. Shut up. Bitch, you're a bargain guy. You shut up. Make a racist comment on me. So this is fine. I'm not going to say anything. No, you comment on my color. तुम मुझे की गाली दो, की गाली दो. तुम मुझे जो बोलना है बोलो. You cannot have a racist comment on me. Come on, yaar. You can't make a racist comment. You can't make a comment like that. You can't make a comment like that. Apologize. Not my idea. Apologize. Are you crazy? Listen. बोलने की बात है क्या? You don't want to talk to her. You don't want to talk to her. Just let it be. Then don't talk to her. Control your temper. ये नहीं बोलने चाहिए. बाकी सब सब जाए. आपने क्या बोला? मैंने इसको बोला जो गलत था. You said what? I said. So, if somebody's born a certain color, it's okay to comment on that in a negative way? मैं अब्यूज नहीं करना चाह रही थी उसको इसलिए. But you did. It's worse than that. As MTV, we don't allow that. You cannot be racist. समझ गए? Use whatever word you want in the dictionary, but calling somebody a name that they have absolutely no control over is absolutely wrong, and on every level, it is disgusting human behavior.
should be treated that way. You want to call her any other name in the dictionary or in the golly dictionary, I don't care. Neither does Ran Vijay, neither does anybody here. What she said was wrong. What you said was unacceptable. I'm sorry for that, Mayuri. Whoa, scroll. Scroll up. Oh. Hello, boys. Hello. Hello. Consider all your prayers answered today. There is a special someone waiting for you in the pool. Wait. जब पूल वाला सरप्राइज आता है ना तो सब बॉयज मतलब एड़े हो जाते हैं। मुझे कहीं ना कहीं इंट्यूशन हो गया था कि शायद नई प्रिंसेस विला में आ रही है। पूल साइड पे पहुंचे एंड देयर वाज ऑलरेडी दिस गर्ल इनसाइड द पूल और जैसे मेरी नजर नई प्रिंसेस पर पड़ी मैं तो मंत्रमुग्ध हो गया बड़ी बड़ी आंखें इतनी प्यारी स्माइल गोरा चिट्टा रंग ओहो दिल्ली जैसे रुक गया हो दिल की मेरी मेरी आंखें उससे हिली नहीं रही थी मेरी आंखें सिर्फ उसी को देख रही थी उसकी आंखें देख रही थी उसकी स्माइल बहुत सुंदर देख रही थी आंखें हैं तेरी जैसे काला जादू जब से देखा है तुझे हुआ मैं बेकाबू We were excited to know her because हम चार लोग को कनेक्शन बनाना है बॉस इस गेम में अगर टिकना है यू नीड टू हैव अ कनेक्शन हां कर दे मुझको मैं हॉलीडे करा दूं Nine boys, अच्छी bodies, you know, tall and very good looking boys. बहुत special feel हो रहा था अब सारे के सारे boys की attention सिर्फ मेरे ऊपर थी. Thank you. Hi. Hi. I didn't know I'm going to get such a hot welcome. उन्होंने black bikini पहनी थी तो जो jaw था वो 5-6 बार तो ground को touch होने लग गया था because इतनी हॉट लग रही थी श्री राधे श्री राधे हाय एंड वी वर लाइक फाइनली अ न्यू प्रिंसेस जो इतनी गुड लुकिंग है व्हाई स्प्लिट्सविला स्प्लिट्सविला क्योंकि मुझे लगा कि सारे हॉट लड़कों को मिलने का चांस वन प्लेटफॉर्म वेल थैंक्स What were you expecting? क्या expect कर रही हो? Expectation से तो you all are there only. Don't worry, nobody's below expectation here. Depends on आप में से कौन कितना impress करता है, so that I want to go on a date. जैसे ही उसने बोला कि कौन मुझे impress करेगा, मैं सबसे आगे गया और मैंने उस लड़की का हाथ पकड़ लिया and I wanted to dance with her. I just met a girl and she's from Woolloomooloo Woolloomooloo Wanda. I can dance and she can sing and we can rock the whole night long. Dance is the most easy way out. उसको और कुछ करने को आ ही नहीं रहा था. मेरे को बहुत वो stupid लगा. Thank you. This for you. It says, मांगा था, मिल गया वो मुझे तहे. दुआओं में हो रहा है मेरी वो असर. खामोशियों में तेरी खोए रहे. बाट ले गम, सपने कोई नहीं. And it goes on something like. निक ने दोबारा से अपनी कविताओं की पोटली खोल दी श्री राधे के सामने लगता है बहुत रोमांटिक पर्सन नहीं ये काव्य 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 नहीं पता था वेल वेल श्री राधे मैंने भी सुना था फर्स्ट डे लाइन से मैं कोई और सुनाऊं चलेगा टूटे हुए तारे की तरह मरते बेचारे की तरह ये फर्स्ट टाइम मैंने सुना था पूरे शुरुआत से अब तक हर लड़की को एक ही शेर सुनाया
अबे सालो इतनी जल रही है तुम्हारी कि मैं शायद उस बंदी को इम्प्रेस ना कर दूं। हम नहीं जानते कि हम आपसे प्यार करते हैं या नहीं, लेकिन इतना जरूर जानते हैं जो तुमसे करते हैं वो और किसी से नहीं। इसकी जो पंक्तियां थी वो इतनी टट्टी थी भाई, तू ये सब जो थॉट लेके आता ना कहाँ से लेके आता यार। I just want to say कि मेरे यहाँ पे सब अच्छे दोस्त हैं, आप नए आए हो, I would want to know you better. मेरी कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है, but this show is about love and yeah. friendship में भी love होता है. And I'd like it अगर क्वीन से मैं आपको स्टील कर सकती हूँ तो. बात करेंगे इसके बारे में. So first I'm going to take Aditya. On a date and then enjoy the drink. She ne mera naam and Aditya ka naam chuna for the one-on-one date. Jab usne Aditya ko choose kiya to humne Nick ko bola saale. Tune 6 line sunaye, usne 2 line sunaye, wo leke ja raha hai. Isliye bolte kam bola kar saale. Hum sabka aur wo leke chali gayi Aditya ko one-on-one date par. यार कहीं ये भी बाकी की 6 प्रिंसेस की तरह डम तो नहीं। मैं यहाँ जीतूं या ना जीतूं बट दिल जीत के जरूर जाना चाहता हूँ, और मैं एक ऐसा कनेक्शन चाहता हूँ श्रीजा जी जो खाली स्पेस मिला तक ना रहे, उसको कंटिन्यू से ब्रांड जाए। स्वीट, वेरी नाइस। व्हेन आई एम इन लव आई एम ऑलवेज लाइक अ हॉर्स। जैसे बाकी लड़के दम थोड़े से दबे हुए टाइप के हैं, इधर उधर हो जाते हैं। एंड फॉर मी द मेन थिंग इज हम्बलनेस एंड रिस्पेक्ट फॉर टू गर्ल्स। उसकी चॉइस सीखनी थी। रोबोट ले लिया उन्होंने, ऐसे करता रहेगा, पानी उछालता रहेगा। आप मैं ये बेचारा। तो आदित्य के साथ मेरी डेट बहुत बोरिंग थी, मुझे लगा नॉट हैपनिंग, मतलब आपकी चांस तो अब गई। And it shall continue. Surely. I'll see you. Pleasure. Yes. I'll go and I'll send Varun now. Yeah, please. Carry on. जब आरडी वापस आया और मेरी बारी थी। जैसे ही आई एंटर्ड द पूल, हमारे बीच में आई कॉन्टैक्ट हुआ था, हमारी केमिस्ट्री वहीं से ऑन हो गई थी। वरुण क्वीन के साथ है वो, और अगली डेट पे भी जा रहा है। भाई तेरी डेट है तो क्यों जा रहा है, मना कर देना, हमें चांस दे दे यार, हमें 10-10 मिनट मिल जाते हैं, हम खुश होते हैं। ओ लैला तेरी ले लेगी तू लिख के ले ले। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ जाने के लिए मारीना के साथ क्या सीन है आपका। मेरा उसका बहुत अच्छा कनेक्शन है, वो बहुत स्वीट है। मैं ज्यादा स्वीट हूँ। अच्छा, वो मुझे बहुत कंफर्टेबल रखती है। अच्छा, ऐसा क्या करती है आपके लिए? नहीं, जैसे मुझे ना ज़्यादा नाटक लड़कियाँ करती है, मुझे पसंद नहीं है, मुझे सॉर्टेड बंदियाँ पसंद है। वरुण तो बहुत ही क्यूट लगे मुझे, एंड वो सबसे टॉल भी हैं, एंड बॉडी तो उनकी बहुत ही अच्छी है, एकदम प्रॉपर है, जैसी मुझे बॉडी पसंद है। एंड योर क्यूट फेस विदाउट नॉट बीइंग चीज़ी हो, बट थैंक यू सो मच, इवन यू आर वेरी चीज़ी। आवर डेट वाज अनबिलीवेबली फॉर 45 मिनट्स, मुझे पता ही नहीं चला उनके साथ टाइम कैसे स्पेंड हो गया। मे बी शायद इसलिए क्योंकि मैं इतना ज़्यादा एफर्ट लगा रही थी कि वो मार्टिना को भूल जाए और वो सिर्फ मेरे बारे में सोचे। यू नो डांस, बहुत बातें हो गई यार। ठीक है। हे डार्लिंग, आँखों से आँखें चार करने दो डार्लिंग। ये बेस्ट पार्ट है विला का, ओवर हियर। एब्स को नहीं बोल रही, मैं आपको बोल रही हूँ। जब वरुण श्रीराधे के साथ में डांस कर रहा था तो मैंने सोचा कि बेटा अभी जितना नाचना है नाच ले, बाद में तुझे मार्टिना अच्छे से नचाएगी। Hi. I'm keeping this. श्रीराधे का अप्रोच लड़कों की तरफ बहुत ही बोल्ड और स्ट्रांग था, क्योंकि आते ही उन्होंने एक स्टेटमेंट दे दिया था कि अगर उन्हें कोई लड़का पसंद है, इवन दो उस लड़के का कनेक्शन विला में है, उस कनेक्शन को वो ब्रेक करवा सकती है। सो सारे लड़कों के लिए बहुत शॉकिंग था, क्योंकि इस तरीके का बोल्ड स्टेटमेंट बाकी के प्रिंसेस में से किसी की तरफ से नहीं आया था। Hi.
This is MTV Splitsvilla 9. Welcome to the dumping ground one more time. तो आप लोग विला आए और आपने रेस्ट किया. लड़कों ने क्या किया आपको पता है? डेट पे गए. With who? With the new princess. With the new princess. What? Yeah. Already? No way. What's the new princess's name? Shri Radhe. तो सबसे पहले करण, श्री राधे कैसी दिखती हैं, कैसी लगती हैं, क्या बोलोगे आप? Very attractive. चोर बाजारी दोनों की. आदित्य बहुत strong है. Very positive personality. मैं डेट पे भी गया उनके साथ. Oh really? डेट मतलब one on one date? One on one, yes. She chose you? She picked me, yes. I was lucky. तालियां. Finally. Finally. Fresh air. वरुण, आप गए डेट पे? हाँ जी. आपने अपनी कैप दे दी उनको कैसे? How did that happen? उन्होंने खुद उठाई आपके सर से? नहीं 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 नहीं, मैंने निकाली. Hats off to you, sir. Hats off. डांस भी किया मैंने. कैसा डांस? Sang a song for me. भांगड़ा? भांगड़ा नहीं, क्लोज डांस किया. पूल के अंदर क्लोज डांस? हाँ जी. तुम्हें लगता है कि ये चीज अगर मार्टिना को पता चलेगी तो उसको कैसा लगेगा? बहुत मजा आएगा सर जी, बहुत मजा आएगा. तो मजा ले ले फिर. हाँ सर. Can we please call Queen Martina? Hello. Hi. Hello. कैसा लग रहा है? Dumping ground का माहौल एकदम खुशी है ना यहाँ पर? हाँ, I mean सब खुश लग रहे हैं. आपको एक information देना चाहते हैं कि विला में already एक नई princess आ चुकी. Okay. उनका नाम है? श्री राधे. श्री राधे. क्या है नाम वरुण? सुनाई दिया. श्री राधे. श्री राधे. Were you wondering आपको डेट क्यों नहीं मिला right before the dumping? Of course. ये किसी और के साथ चले गए. हुआ क्या वरुण? पहले हमने बातें करी, आपकी बात काफी हुई थी. और क्या हुआ? और as a gift, welcome gift, I gave her my hat. क्या? He danced also. पूछो कहाँ? पूल में. पूल के अंदर. What? But she was wearing a sari, right? No, no, a bikini. He was wearing full clothes, suit में था. No, no. मैंने shorts पहनी थी. सिर्फ? हाँ सिर्फ. सारे चीप फट गया. I didn't have an option. So you can refuse. उसके हाथ में कुछ power नहीं है. वो अभी तक मतलब why be rude to her? Why be rude to her? What a gentleman, what a gentleman. क्या चल रहा वरुण? और देखो मार्टिना, no, I can understand he was being polite. तो 10 minutes के लिए हुआ होगा ये पूरा date? Polite? 45 minutes. 45 minutes. Scary. That is. Scary. I spoke about you. Why would I lie to you? वो जब आएगी तो मैं पूछना उनसे. पूछ लूँगी उनसे. इतनी बातें हो गई हैं. Sunny, should we just call Shri? Yes. Shri, welcome to Splits Villa. जैसे ही श्री राधे की एंट्री हुई डंपिंग ग्राउंड में, सारी लड़कियां अपना अपना चेहरा छुपा रही थी क्योंकि अनडाउटेडली श्री राधे बहुत ज्यादा हॉट और सेक्सी लग रही थी एंड बहुत सारा धुआं उठ रहा था डंपिंग ग्राउंड में. Join the girls with the princesses. Wow.
all the princesses, you can say hi to Shri. Hi. Hi. Shri, let me introduce you. That's Martina. She's a fiery queen. Hi. Hi. इनके बारे में आपने कुछ सुना है? मुझे पता है कि इनका और वरुण का काफी अच्छा बॉन्ड है. आज प्रिंसेस के साथ आप डेट पे गए, मजा आया? Yes, बहुत आया. Yes. आपको एक चॉइस दी जाए, आप किसके साथ कनेक्शन बनाना चाहेंगे? Up to you. I think I'll go for Varun. She's impressed by your conversation. अगर मार्टिना विला में नहीं होती, आप किसके साथ सबसे तगड़ा कनेक्शन बनाना चाहते? I would be confused between two people. कौन? Shri and Kavya. मार्टिना. हाँ. काव्या का नाम इसने कवर अप करने के लिए बोला कि आंसर थोड़ा डाइल्यूट हो जाए. Why did you say Kavya or why did you say Shri? Forty-five minutes काफी था एक पर्सन को समझने के लिए या कनेक्शन बनाने के लिए. Out of these five options मिला था, अगर आप होते तो definitely आपका नाम लेता मैं. So, do you think there was a purpose for this date today? इस विला में कोई चीज किसी रीजन के बिना नहीं होती है. I am sure कोई रीजन है. You're so smart. चलो मुद्दे की बात पे आते हैं. आज 9 लड़कों के ऑप्शन थे आपके पास. आप किसी को भी डंप कर सकते, किसी एक को भी इनमें से आप डंप कर सकते. लेकिन अब आपसे वो आपके ऑप्शन छीनने आई हैं नई प्रिंसेस श्री. आप जानना चाहते हो कि वो आपके लिए कितने ऑप्शन छोड़ेंगे आउट ऑफ 9? कितने? सॉरी, 3. जो भी 3 डंपिंग जोन में रह जाएंगे उनमें से एक को क्वीन को डंप करना पड़ेगा. श्री, मेक योर फर्स्ट सिलेक्शन. सो फर्स्ट Anuranjan. Second choice is Akhil. Okay. Third is Abhishek. इसका मतलब यह है कि निखिल, आर्ची, गुरमीत, वरुण, करण और आदित्य, यू गाइस आर सेफ. Welcome back to Splitsvilla, boys. Thank you. Thank you. Thank you. Shri, thank you so much. मैं actually surprised हूँ कि श्री राधे ने अभिषेक को dumping zone में रखा है. I don't know what she's aiming for. She's aiming for somebody जिसका शायद already connection हो. तो वो अपना time waste कर रही है. I'm telling it very clearly. I think this is one of the dumbest decisions that she's made. Mera decision date ke basis pe tha. Theek hai, you'll see later. Tell me that ki kisi ko book of fortune kholni hai. मुझे खोलना है. He's got nothing to lose. चलो. A princess left the villa this day.
Another came in her place to stay. Her fortune this night is strong. To change her will would be wrong. The three she has chosen shall in danger remain. One of them, by the queen, shall still be slain. Turn the page over once the deed is done. The knight, I feel, is still young. Wow. Kuch nahi badla, except for the fact ki jab क्वीन आप तीनों में से किसी एक को डंप कर देगी वी हैव टू गो बैक टू द बुक ऑफ फॉर्चून शैल वी गो फॉर इट किसी को यहाँ पे कुछ कहना है आई वुड लाइक टू से समथिंग मार्टिना मुझे नहीं लगता है कि मैं बोलूंगी तो फिर सुनेंगी बात मैं फिर भी बोलना चाहूंगी कि आप सेव कीजिए अनुरंजन को मैं चली जाऊंगी अगर अनुरंजन यहाँ पे रह जाए तो आई वुड लाइक टू गो यू जस्ट स्टे दैट डोंट एक्ट स्मार्ट जैसे हो तुम ही रहो ओह माय गॉड ईशा बेवकूफी कर रही थी तू जहाँ बैठी है वहीं बैठी रह बता के तो जाऊं कि क्या औकात तुम्हारी और क्या असलियत है अनुरंजन तंग आ गया क्या इस कनेक्शन से सर इतनी लॉयल्टी दिखा दी अब कितना करूंगा सर मैंने मयूरी को एक कमेंट किया था उसके कलर पे उस टॉपिक को लेके अनुरंजन इन्फ्लुएंस हो गया दूसरों की बातों में आ गया इनका जो कपल है ये जो दिखाती है वो कुछ और होता है ये जो दिखाता है कुछ और होता है बहुत फेक लगता है मुझे पता नहीं एक्चुअली इन दोनों के बीच में एग्जैक्टली क्या चल रहा है लेकिन जो भी है बहुत मेस्ड अप है राइट नाउ एंड अनुरंजन आई डोंट थिंक यू डिजर्व टू बी हियर राइट नाउ एंड आई विल बी डंपिंग यू अभिषेक अखिल वेलकम बैक टू स्पिट्सला अनुरंजन होप यू हैड अ गुड टाइम हियर यू कैन से बाय टू योर फ्रेंड्स अनुरंजन ने जाने से पहले बुक ऑफ फॉर्चून खोली थी उनके लिए तो कुछ बदला नहीं लेकिन वी हैव टू स्टिल गो बैक टू द बुक ऑफ फॉर्चून टर्न द पेज सनी हर फॉर्चून आई स्पोक इज स्ट्रॉन्ग टुडे आई मेक इट स्ट्रॉन्गर बाय व्हाट आई से आई बेस्टो अपॉन द प्रिंसेस न्यू द ब्रेसलेट शाइनिंग गोल्ड जो नई प्रिंसेस की बात हो रही थी द बुक ऑफ फॉर्च्यून कह रही है कि वो उनको ये गोल्डन ब्रेसलेट देना चाहती है अलोंग विद दैट अनदर पावर शी डज होल्ड ड्यू इन द पास्ट द क्वीन हैज स्लॉटर्ड हर वर्डिक्ट बाय द न्यू प्रिंसेस कैन बी ऑल्टर्ड सेकंड चीज ये है कि आज से पहले आपने जितने भी लड़कों को डंप किया है उनमें से कोई एक हमारी नई प्रिंसेस वापस ला सकते लेकिन अभी नहीं वो कल होगा बुक ऑफ फॉर्च्यून कुछ ज्यादा ही फॉर्चुनेट हो गई है नई प्रिंसेस के लिए श्री राधे को एक नहीं दो नहीं बल्कि तीन तीन पावर्स दिए बुक ऑफ फॉर्च्यून ने उनको वेलकम किया जाएगा और ऐसा वेलकम किया जाएगा कि हमारी लगा दी जाएगी मार्टिना जो इतने लड़कों को आपने डंप किया उसमें से कौन सा लड़का वापस ना आए दैट्स करण छाबड़ा बहुत ज्यादा गंदगी वापस से आ जाएगी एंड ऑल दैट आई डोंट वांट ऑल दैट अपने आप को भी तंग करना तो प्लीज लेकर आ जाओ तो आई विल डू माय रिसर्च एंड देन आई विल टेक अ चॉइस श्री राधे हमें इससे कनेक्शन बनाना है हम नहीं चाहते कि ये खन्ना गैंग में जाए श्री राधे मार्टिना और वरुण का कनेक्शन ब्रेक करना चाहती तो मार्टिना की तो सबसे ज्यादा जल गई थी तो मुझे अंदर ही अंदर बहुत खुशी हो रही थी
श्री राधे को क्वीन बनना चाहिए और वो मार्टिना डीथ्रोन होनी चाहिए।